yes i was with someone from my school and then eventually we parted our ways due to some reasons but yeah what bar when you faced the camera in 2000 टेन और इलेवन आई गेस इट वॉज मर्यादा फॉर स्टार प्लस सो एट दैट टाइम आई वॉज लाइक अ लिटिल किड सो वो छोटी बहन का ही कैरेक्टर था उसमें ज्यादा कुछ काम नहीं था बट दैट वॉज माई फर्स्ट ब्रेक फिर उसके बाद मैं वापस अपने होम टाउन चली गई पढ़ाई वढ़ाई कम्पलीट की एंड देन अगेन आई केम बैक वो पहली बार वेन यू केम अक्रॉस एनी फेक प्रोफाइल ऑफ चैनल वी शो अगेनर की उसके बाद से मेरे फैन पेजेस बनने शुरू तो मैं शुरू शुरू में ना मुझे लगता था कि कोई फेक अकाउंट बना रहा है तो मैं रिपोर्ट करती थी हर अकाउंट कोई देर माई फैन एंड देव मी तो वो एडिट बनाना ये सब करना ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा बट बत... आई थिंक बड़े अच्छे लगते हैं जब किया था तो शायद थोड़ा सा वो प्रोमोज वगैरह के लिए या रेड कार्पेट तो नहीं बोल सकते बट तब उसका प्रमोशन अच्छे से हुआ था तो हमें अलग अलग सिटीज लेकर गए थे मीडिया इंटरेक्शन हुआ था सो तो फॉर मी आई थिंक वो चीज़ें थोड़े बड़े लेवल पे थी तो मेरे लिए वो नई नई थी वो पहली बार झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो वेर एवर आई यूज टू लाइक सम वन इट वॉज वेरी जेन्यून एंड वेरी प्योर फ्रॉम माई एंड ये बड़ी अच्छी बात कही आप Like I am not a girl who would go for a hookup thingy. Like I am a very serious relationship kind of a girl. मैं तो सीधा शादी का ही सोचती हूँ. खत्म. खत्म. Bye bye. Tata. Goodbye. खत्म. अरे ये तो यार ये तो बहुत सीरियस है. काम बहुत ज़्यादा सीरियस से। Okay. वो पहली बार when you went for an abroad trip.

Oh, yes, and still उसमें से कुछ कुछ मैंने जो स्कूल या कॉलेज के होंगे वो अभी तक मैंने बचा के भी रखे हैं वो मुझे लगता है कि अब मुझे फेंक देना चाहिए क्योंकि अब उसका कुछ काम नहीं है बट एज सॉफ्ट टॉयज अगर किसी ने दिया हो या कोई लव लेटर कभी दिया हो या कोई बैग दिया हो तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो मेरे पास अभी भी हैं तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं और जरूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप uh, में हो तभी किसी ने दिया हो कोई वन साइडेड भी होता है या कोई बेस्ट फ्रेंड हो मेरा कोई भी हो वो पहली बार आई रिस्पेक्ट देर ऑब्वियसली बट मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है ऐसे मैसेजेस कि किसी को आप जब नहीं जानते पर्सनली तो वो सीधा आपको शादी के लिए या यू नो आई लव एज नहीं बोल सकते but yes, I appreciate them. मतलब ऐसे मैसेजेस तो बहुत आते हैं बट मुझे ऐसा पर्क्यूलरली कोई पहला ऐसा याद नहीं है शादी वगैरह के लिए सच में नहीं याद है काश में बड़े अच्छे लगते हो कि वक्त जर्नलिस्ट होता

It's a nice journey. Till now, it has been a really nice journey with Telichakar. Thank you. Thank you. <laughs> know all about the Telly world by subscribing to TeleChocker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.